रशिया यूक्रेन क्राइसिस के बीच आइए जानते हैं उस शख्स के बारे में जिसने पाकिस्तान से निकलकर यूक्रेन में जाकर सफल और काफी चर्चित बिजनेसमैन वो बन चुका है। आज हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने यूक्रेन के सबसे अमीर प्रवासी जिसे कहा जाता है, और उनका नाम है मोहम्मद जहूर, जो पाकिस्तानी मूल के ब्रिटिश नागरिक हैं। जहूर को यूक्रेन की मीडिया का पाकिस्तानी राजकुमार भी कहा जाता है। जहूर देश के प्रतिष्ठित अखबार किवी पोस्ट के भी मालिक रहे हैं। हालांकि 2018 में जहूर ने इस अखबार को बेच दिया था। अगस्त 1955 में पाकिस्तान के कराची में जन्मे 66 वर्षीय मोहम्मद जहूर दिग्गज स्टील कंपनी आई स्टील ग्रुप के संस्थापक और मालिक भी हैं। उन्होंने साल 2009 में करीब 75 अरब रुपए में कंपनी के कुछ हिस्से को बेच दिया था। मोहम्मद जहूर के लिए पाकिस्तान से आकर यूक्रेन में बिजनेस स्टार्ट करना और फिर दुनिया भर में छा जाना कोई आसान काम नहीं था। 1974 में कराची में इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान मोहम्मद जहूर को स्कॉलरशिप मिल गई थी। इसके बाद वो सोवियत यूक्रेन पहुंचे थे। जिस वक्त वो पाकिस्तान से निकले, उनके माता पिता मक्का गए हुए थे और इसी वजह से वो पेरेंट्स को बताए बिना ही यूक्रेन चले गए। उन्होंने दोनेत्स्क में इंजीनियरिंग और उसके बाद स्टील मेकिंग की पढ़ाई की और 1980 में पीएचडी करने के बाद पाकिस्तान स्टील में काम करने के लिए वापस अपने देश चले आए। 1987 में वो फिर से मॉस्को लौटे और एक बार फिर थाई स्टील निर्माता के साथ साझेदारी की। एक रिपोर्ट के अनुसार रूसी स्टील को विदेशों में बेचकर जहूर और उनके साथियों ने शुरुआत में ही करोड़ों कमा लिए थे। 1995 में मोहम्मद जहूर ने दोनेत्स्क स्टील मिल खरीद ली और कभी उन्होंने यहाँ एक छात्र के रूप में पढ़ाई की थी। इस मिल को जहूर ने अत्याधुनिक स्टील मिल में पूरी तरह से बदल डाला। हालांकि विदेश में अपना बिजनेस शुरू करते ही तमाम विरोधों का भी उनको सामना करना पड़ा, लेकिन वो झुके नहीं। बाद में उन्होंने अमेरिका, ब्रिटेन, दुबई समेत अलग अलग देशों में स्टील मिल्स खरीद ली। 2008-2009 में जहूर ने दोनेत्स्क स्टील मिल को एक रूस की कंपनी को बेच दिया, जिसकी कीमत लगभग $1 बिलियन मानी जाती है। रिपोर्ट के अनुसार 2009 में उन्होंने करीब 200 करोड़ में एक आलीशान होटल खरीदा, फिर मोटी रकम अदा करके यूक्रेन के सबसे पुराने अंग्रेजी भाषा के अखबार किवी पोस्ट को भी खरीद लिया। हालांकि बाद में उन्होंने इसे बेच भी दिया। जहूर ने एक बार कहा था, मैंने रियल एस्टेट, हॉस्पिटैलिटी, ट्रेडिंग और मीडिया सेक्टर में निवेश किया है, लेकिन इनमें से मेरे पोर्टफोलियो में किवी पोस्ट शीर्ष पर रहा है। किवी पोस्ट का मालिक होना अपने आप में गर्व की बात थी। जहूर खुद को यूक्रेनी कहलाना पसंद करते हैं और एक बार उन्होंने कहा था कि रूस यूक्रेन विवाद को सौहार्दपूर्ण आधार पर सुलझाया जा सकता है। व्यक्तिगत जीवन की बात अगर उनकी करें तो साल 2003 में जहूर ने यूक्रेन की सिंगर कमालिया से शादी की। पहली मुलाकात के कुछ ही दिनों बाद दोनों में प्यार हो गया था और जहूर उन्हें दुबई और फिर पाकिस्तान में छुट्टियों पर घुमाने के लिए ले गए थे। इसी दौरान जहूर ने कमालिया को शादी के लिए प्रपोज भी किया। दोनों ने शादी कर ली। जहूर की पत्नी कमालिया 2008 में मिसेस वर्ल्ड रह चुकी हैं। वो आज न केवल यूक्रेन में बल्कि यूरोप के कई देशों में प्रतिष्ठित पॉप सिंगर के तौर पर भी जानी जाती हैं। वहीं जहूर का बिजनेस दुनिया के कई देशों में फैला हुआ है। अरबपति जहूर ने और कमालिया ने जरूरतमंद बच्चों की मदद के लिए एक चैरिटेबल फाउंडेशन की भी स्थापना की है, जिसके जरिए वो देश और दुनिया में जरूरतमंदों की मदद के लिए धन दान भी करते हैं और जुटाते भी हैं।